नमस्कार दोस्तों, नवंबर के मिसलेनियस आर्टिकल्स की वीडियो में आपका स्वागत है। पहला आर्टिकल हमारा साइक्लोन गज के बारे में है। देखो, ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में आपने पढ़ ही लिया होगा ज्योग्राफी में, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है, साइक्लोन गज जो आया था नवंबर में और तमिलनाडु के कोस्टल डिस्ट्रिक्ट से टकराया था, तो यूपीएससी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकती है, साइक्लोन गज आगे दिया हो उड़ीसा, नीचे साइक्लोन तितली आगे दिया हो केरल, और मैच द फॉलोइंग करके यूं पूछा हो, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है। तो आपको देखो ये याद रखना है, साइक्लोन गज तमिलनाडु के कोस्टल डिस्ट्रिक्ट से टकराया था और उड़ीसा में नहीं आया था साइक्लोन गज, जबकि साइक्लोन तितली जो है वो आया था उड़ीसा में, और साइक्लोन तितली को रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम के द्वारा रेयरेस्ट साइक्लोन भी करार दिया गया था। यहाँ पर भी क्वेश्चन बन जाता है, और यूपीएससी क्वेश्चन ये भी पूछ लेती है कि राइम्स ये क्या है। राइम्स देखो ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो यूनाइटेड नेशंस के अंडर रजिस्टर्ड है, 45 देश कोलाबरेट कर रहे हैं इस बॉडी में, और ये देश एशिया पैसिफिक और अफ्रीकन रीजन से है। मकसद ये है कि 45 देश मिलकर एक अर्ली वार्निंग सिस्टम इस्टाब्लिश करना चाहते हैं, ताकि साइक्लोन का सुनामी लहरों का पहले से पता लग सके और विभिन्न देश अपने आप को तैयार कर सकें किसी भी सुनामी आने से पहले या फिर साइक्लोन आने से पहले। तो राइम्स के बारे में याद रखिएगा, और ये भी याद रखिएगा कौन सा साइक्लोन कहाँ आया था। अभी उड़ीसा में जो साइक्लोन फेनी आया था उसके बारे में भी आप याद रखिएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल नाइट्रोजन एमिशन हॉटस्पॉट के बारे में है, क्या कंटेस्ट है। देखो, ग्रीन पीस ने सैटेलाइट के डेटा के आधार पर कुछ नाइट्रोजन एमिशन हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया, मतलब वर्ल्ड के वो एरिया जहां से नाइट्रोजन का एमिशन सबसे ज़्यादा होता है। तो ग्रीन पीस ने अपनी स्टडी में ये पाया, साउथ अफ्रीका का ये जो रीजन है, क्या नाम है इसका, मबूमलंगा प्रोविंस। यहाँ पर देखो, पूरे वर्ल्ड में यहाँ से सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एमिट होती है, और चाइना में सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट्स हैं, मतलब नाइट्रोजन एमिशन जो हॉटस्पॉट्स की संख्या है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है, चाइना में। इंडिया में तीन नाइट्रोजन एमिशन हॉटस्पॉट्स हैं ग्रीनविच की इस रिपोर्ट के अनुसार। उड़ीसा में है तलचर अंगूल, दिल्ली एनसीआर का रीजन जो यूपी के सोनभद्रा रीजन में भी आता है और एमपी के सिंगरौली रीजन में भी आता है। तो ये हमने बात की नाइट्रोजन एमिशन हॉटस्पॉट्स के बारे में, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल श्रीलंकन फ्रॉग माउथ के बारे में है। ये देखो एक रेयर बर्ड है, कहाँ पर मिलता है, इसे देखा जाता है श्रीलंका में, और वैसे इंडिया में इसे कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र इन जगहों पर देखा जा सकता है, और वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड में भी देखा जा सकता है। लेकिन सिग्निफिकेंट चीज़ ये है इस आर्टिकल में कि पहली बार इस पक्षी को देखा गया वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न साइड में भी, इसी वजह से ये पक्षी न्यूज़ में आया है। वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न साइड में जो चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कहाँ पर, केरल में, वहाँ पर इस पक्षी को देखा गया। एक और बर्ड सेंचुरी का नाम यहाँ पर दिया हुआ है थाटेकार्ड, यहाँ पर भी इस पक्षी को देखा जा सकता है, ये इस पक्षी का हैबिटेट है। तो क्वेश्चन देखो इनडायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि ये जो चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पर है, केरल में है, कीड़े मकोड़े खाए जाते हैं इस पक्षी के द्वारा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल दुबई डिक्लेरेशन से संबंधित है। दुबई डिक्लेरेशन में ये आह्वान किया गया कि फंडिंग ज़्यादा से ज़्यादा आनी चाहिए ताकि डेटा कलेक्ट किया जा सके। अभी देखो दिक्कत ये है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है 2030 से पहले पहले, लेकिन विभिन्न देशों ने क्या कुछ किया है अभी तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए, ये मेजर करने के लिए डेटा की आवश्यकता है। 2/3 इंडिकेटर से संबंधित तो डेटा है ही नहीं, डेटा कैसे आएगा, डेटा जब आएगा ना, जब पैसा होगा। तो फाइनेंसिंग के लिए आह्वान किया जाता है इस दुबई डिक्लेरेशन में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डेटा कलेक्ट किया जा सके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से संबंधित। पता तो लगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने की दिशा में विभिन्न देश किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल एनवी स्टैट्स इंडिया 2018 रिपोर्ट के बारे में है। ये रिपोर्ट रिलीज की गई है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट और दूसरी चीज़ों से संबंधित डेटा है इस रिपोर्ट में। डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिपोर्ट के बारे में याद रखिएगा। ये रिपोर्ट रिलीज की गई है एनवी स्टैट्स इंडिया 2018 रिपोर्ट, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म के बारे में है। ये प्लेटफॉर्म देखो लॉन्च किया गया 7 स्टेट्स में इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलियंस प्रोग्राम के अंतर्गत।
इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा देखो ये होगा, पॉलिसी मेकर्स को इन्फॉर्मेशन होगी। मान लीजिए भारत का मैप है, यहाँ पर केरल है, केरल में कौन सा डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा है, मोर्बिडिटी मोर्टेलिटी से संबंधित डेटा, मालन्यूट्रिशन से संबंधित डेटा, उसी प्रकार से यहाँ पर तमिलनाडु है तो तमिलनाडु का सारा डेटा, हर एक स्टेट में इस प्रकार से मैप की फॉर्म में डेटा पॉलिसी मेकर्स के सामने होगा। तो जब वो पॉलिसी बनाने लगेंगे इफ़ेक्टिव रूप से पॉलिसी बना सकेंगे। हम बात करें IDSP की, IDSP ये देखो एक डिजीज़ सर्विलेंस स्कीम है, इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत। वर्ल्ड बैंक हेल्प कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की इस स्कीम को रन करने में। स्कीम में ये भी शामिल था कि एक सेंट्रल डिजीज सर्विलेंस यूनिट इस्टाब्लिश की जाएगी और हर एक स्टेट में एक स्टेट सर्विलेंस यूनिट भी इस्टाब्लिश की जाएगी ताकि डेटा को कलेक्ट किया जा सके और एनालाइज किया जा सके। तो ये जो IDSP पोर्टल है ना, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम, ये एक वन स्टॉप पोर्टल है सारी फैसिलिटीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल डेटा एंट्री, रिपोर्ट्स को देखने के लिए और कोई भी महामारी फैलती है उसे रिपोर्ट करने के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स और दूसरे रिसोर्सेज के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम और इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर कोड के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो RBI ने यह कहा है मार्केट में इंडिविजुअल्स को छोड़ के जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है या फिर कोई फर्म है, सबको ये लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर कोड लेना जरूरी है। फिर से बोलता हूँ, RBI ने कहा है कि इंडिविजुअल्स को छोड़ के बाकी सभी मार्केट में पार्टिसिपेंट्स को ये कोड लेना जरूरी है। ये कोड है क्या? देखो ये कोड कंसीव किया गया है G20 के द्वारा। G20 ने यह कहा है कि सभी देश ये इंश्योर करें मार्केट में इंडिविजुअल्स को छोड़ के सभी पार्टिसिपेंट्स के पास ये कोड हो। अगर देखो ये होगा तो विभिन्न देश आपस में कोऑपरेट कर सकेंगे और मनी लॉन्ड्रिंग या फिर ब्लैक मनी दूसरे देशों में जमा करके छोड़ दिया जाता है उसे पकड़ना आसान होगा। तो ग्लोबल लेवल पे ये 20 नंबर्स का जो कोड है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर कोड, इसे इंप्लीमेंट किया जाता है ग्लोबल लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन के द्वारा लोकल ऑपरेशंस यूनिट के द्वारा, और जिसको इंडिपेंडेंटली इस्टाब्लिश किया गया है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये कोड लिया जा सकता है किसी फर्म के द्वारा या फिर कंपनी के द्वारा, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड से। ये एक सब्सिडरी कंपनी है किसकी, क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की, जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है RBI के द्वारा पेमेंट एंड रीसेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर कोड के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल बाबा कल्याणी कमेटी के बारे में है। बाबा कल्याणी कमेटी गठित की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, जो हमारी एग्जिस्टिंग सेज पॉलिसी है इसको स्टडी करने के लिए, और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी सरकार को। तो अगर UPSC पूछे कि बाबा कल्याणी कमेटी किस इशू पर रिकमेंडेशंस देने के लिए गठित की गई थी तो आंसर होगा सेज पॉलिसी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एक्सचेंज से संबंधित है। भारत के PM ने सिंगापुर के PM के साथ मिलकर ये एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एक्सचेंज लॉन्च किया, एपिक्स। अगर UPSC पूछे ये किससे संबंधित है, ये देखो बैंकिंग टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। इससे क्या होगा, अभी भी देखो साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बैंकिंग सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर पाते हैं, जिनके पास अभी भी बैंक अकाउंट्स नहीं हैं। तो इस प्लेटफॉर्म की सहायता से 23 कंट्रीज़ में जो लोग हैं जिनके पास अभी बैंक अकाउंट नहीं है वो एक्सेस कर सकेंगे बैंकिंग अकाउंट्स को इस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एक्सचेंज की सहायता से। चलते हैं आगे। रिपोर्ट है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2018। याद आपको ये रखना है कि ये रिपोर्ट रिलीज की गई है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। फ्लैगशिप रिपोर्ट है ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की, हमने पहले भी काफ़ी बार डिस्कस किया है। थीम है इस रिपोर्ट की इलेक्ट्रिसिटी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल ग्लोबल सस्टेनेबल सिटीज 2025 इनिशिएटिव के बारे में है। कंटेस्ट देखो ये है, यूनाइटेड नेशंस ने उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा का चुनाव किया इस इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करने के लिए। है क्या इस इनिशिएटिव में? इस इनिशिएटिव के अंतर्गत देखो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा दुनिया भर से 25 सिटीज़ का सिलेक्शन किया जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस फंडिंग देगा इन सिटीज़ को और ये सिटीज़ 2025 से पहले पहले सभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर लेंगे। समझ गए? तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा का चुनाव किया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा।
ग्लोबल सस्टेनेबल सिटीज 2025 इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करने के लिए। यूपीएससी ये पूछ सकती है ये इनिशिएटिव किसका है, यूएन का है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? यूरोपियन यूनियन ने हाल ही में इस स्कीम की चेयरमैनशिप इंडिया को सौंपी। किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम जो है, ये देखो एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन स्कीम है और ये स्कीम रफ डायमंड्स में जो व्यापार होता है उसे रेगुलेट करती है। समझ गए, किम्बरले डायमंड से रिलेटेड है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल नोंग्क्रेम डांस फेस्टिवल के बारे में है। ये डांस फेस्टिवल देखो मेघालय में खासी हिल्स में स्मिथ विलेज में खासी ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक प्रकार से हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है और इस फेस्टिवल के दौरान गोट यानी बकरी की बलि दी जाती है। तो अगर यूपीएससी पूछे नोंग्क्रेम डांस फेस्टिवल कौन से राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है, तो आंसर होगा मेघालय। तो नवंबर महीने के मिसलेनियस आर्टिकल्स की वीडियो में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।